पेपर में ना अक्सर सवाल आता है, और वो सवाल ये होता है, सवाल होता है राइट डाउन, सवाल होता है राइट डाउन द पीरियड कॉमा ग्रुप एंड ब्लॉक आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बताए जाते हैं, एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं, सही है। उन नंबर से आपने ये बताना होता है कि ये एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस ब्लॉक से है और किस पीरियड से है, ठीक है। ये सवाल पेपर में आपको मिलेगा, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बयाल चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल आता है, ठीक है। नहीं, यहाँ तक क्लियर है? जी कैसे करेंगे इसको आप देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कर लो, हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 5, यानी कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो हम सबसे पहले इसकी बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 1s2 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका पीरियड ग्रुप और ब्लॉक का पता चलेगा वो देखें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम इसका पीरियड लिखेंगे, ठीक है। तो पीरियड लिखने के लिए जो ये नंबर्स लिखे आ रहे हैं शुरू में 1 2, ये जो नंबर आ रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा ये पीरियड का नंबर, ठीक है। ये जो एस और पी से पहले जो आ रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 2, तो इसका पीरियड हो गया 2। दूसरी बात हमें यहाँ पे लिखनी है कि इसका ग्रुप कौन सा है। तो ग्रुप लिखने के लिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे ये 2s आ रहा है और साथ में 2p आ रहा है, तो 2s और 2p दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जो ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के, इनको सम करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रुप का नंबर, यानी जिन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है, सही है। अगर 2s है और 2s के साथ 2p है, 3s है तो 3s के साथ 3p, 4s है तो 4s के साथ 4p अगर होगा तो, मैं और अभी प्रैक्टिस कराऊंगा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, ए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर s या p पे खत्म होती है तो ग्रुप a होता है, ठीक है। और रह गई अब तीसरी और आखिरी चीज, वो तो सबसे आसान है, ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म हो रही है तो इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, ई कैपिटल नहीं है, स्मॉल बनाना है, ठीक है। सब स्मॉल है, SPD। आगे समझ में जी, और दिखाता हूँ, देखो जरा। हमारे पास है दूसरा जो है वो है 11, एटॉमिक नंबर 11, एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3s1, सही। हमने इसको देखते हुए पीरियड ग्रुप और ब्लॉक बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पीरियड की।
सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? एस। सबसे बड़ा नंबर ये जो एस पी के साथ लगे होते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। दूसरा आ रहा है ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस पे खत्म हुई है और एस के साथ वाला नहीं है, यानी 3s तो है लेकिन 3s के साथ 3p नहीं है, तो बस s के ऊपर जो नंबर आ रहा है इसी से ग्रुप का नंबर पता चलेगा। ये बात समझ में आती है? तो ये होगा ग्रुप 1a और ये 1a ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा इसका याद है? सही है जी। आगे आइडिया समझ में आ गया कैसा ये जी? मैं अभी थोड़ा सा एक और बना के दिखा देता हूँ, वो भी देख लो। ये है एटॉमिक नंबर 20। तो हम इसके बारे में भी काम करते हैं, एटॉमिक नंबर 20 का भी क्या मामला? सही। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। सबसे पहले पीरियड क्या होना चाहिए? 4। ग्रुप बताओ, ग्रुप क्या होना चाहिए? ग्रुप इसका होगा 2। मैं कोई और मिसाल ले लेता, मैं गलती से 20 लिख दिया, मैंने 20 की जगह 18 की मिसाल लेनी थी, लेकिन चलो हो गया। जाओ तुम्हारा दुरुस्त है, 2 और एस का खत्म हो रही है तो ए। और लॉक तो क्या होगा इसका? एस जी। और देखते हैं इसके बाद में हमारे पास एटॉमिक नंबर 10, सही हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, हो गया सही। पीरियड बताओ। पीरियड आएगा 2। बोलो 10 हो जाएगा? नहीं नहीं सॉरी 8। और भी बड़े नंबर हो सकते हैं जो पीरियड टेबल है उसके अंदर एस और पी ब्लॉक के अंदर जो बड़े नंबर हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर की रेंज में भी जाना, ज़्यादा तो 50 की रेंज में रहना है, सही है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। सही। मैं थोड़ा सा एक और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, चलो 35 ये एटॉमिक नंबर है, 35 मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया एटॉमिक नंबर। चलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, सही। अब यहाँ पे जरा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें जिस नंबर से हमें वास्ता पड़ा इसके अंदर ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक बताने में मजा आएगा। सबसे पहले पीरियड को हम बता दोगे, पीरियड क्या है? सबसे बड़ा नंबर 4। पीरियड 4 है और जो ग्रुप होगा तो ग्रुप के अंदर क्या करना है? एक्चुअली ग्रुप के अंदर जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है देखो वो 4p है, तो आपको 4p को 4s से मिला के पढ़ना है। 3d का इसमें कोई काम नहीं है, 3d बीच में आ जाता है ऐसे में। सही आपने जो s है अगर उसी का p आ रहा है, जैसे मैंने बताया 2s और 2p लग गया तो s और p को मिला के पढ़ो, 3s है तो 3p लग गया तो 3s और 3p को मिला के पढ़ो, अगर 4s है और 4p लग गया तो 4s और 4p को मिला के पढ़ो। ये सिलसिला आगे तक भी चलेगा, अगर इससे भी बड़ा नंबर आता है 35 से बड़ा नंबर आता है और फर्स्ट करो 5p आ जाता है तो फिर 5p के साथ किसको मिला के पढ़ो? 5s। सही है, समझ में आ गया? सही है। और फिर ग्रुप का नंबर क्या होगा? जरूरी होगा ये हो 5p के साथ 5s होगा? लाजमी होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास और मैंने बताई थी ना वो टेक्निक से लिखने का तरीका और याद करने का तरीका बताया था ना जी जी, फिर मतलब प्रैक्टिस करिए सब आ जाएगा, ये सब तरतीब से सेवन हो जाएगा। आगे की प्रैक्टिस करने के लिए इसके नंबर भी ले सकते हो। अगला जो नंबर है 53, अगर प्रैक्टिस करनी हो तो 53 नंबर पर प्रैक्टिस करना, 53 के ऊपर सेम तुम्हें इसी तरह का आइडिया मिलेगा।
सकता है ये। ठीक है, अच्छा तो ये 7 है जवाब दुरुस्त है आपका, और ब्लॉक का जवाब तो मिल ही गया, ब्लॉक कौन सा आएगा। तो ये सेट है, क्लियर है यहाँ तक? और किस तरह तुम्हें समझ में आ गया? नहीं बस काफी है। ये तो कहानी थी एस और पी की, डी की कहानी बिल्कुल अलग है। डी की कहानी जो है उसको जरा समझ लो, क्योंकि डी की कहानी के अंदर जो है वो टेक्निक ज्यादा है, एफ की कहानी है नहीं हमारे पास, क्योंकि एफ जो है वो मास्टर्स लेवल से पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर एक मिनट, मैं आप तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से हम टैकल करते हैं इन इनको, क्या कहते हैं, डी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, जरा उसके बारे में जरा बातचीत करते हैं। आवाज आ रही मेरी जी? ये देखो, देखो अमूमन एस के साथ डी लगा हुआ होता है, एफ से वास्ता नहीं पड़ेगा, इतने बड़े नंबर नहीं आते, इसलिए एफ की टेंशन छोड़ दो, एस के साथ डी का वास्ता होगा। तो देखो ये ऑप्शन होंगे, एस के साथ अगर डी आएगा, शुरू के नंबर नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ टेक्निक सिखा रहा हूँ, अगर एस में 2 हो और उसके बाद डी लगा, ठीक है, और डी में आया 1, एस में 2 आए और डी में आया 1, तो आपने एस और डी के नंबर को मिलाकर पढ़ना है, सही है? 2 और 1 कितना होगा टोटल? 3 होगा, 3B, सही है? अच्छा, एस 2 और डी में आया 2, क्या बना? 4B, S3, sorry, S2B3, क्या बना? 5B, S2D4, 6B, S2D5, 7B, S2D6, 8B, S2D7, 9 तो नहीं होता, S2 और D7 आएगा तो इसका मतलब है ये 8B ही माना जाएगा, सही है? S2D8, ये भी 8 में ही होगा। देखो मैंने शुरू के जो इनके नंबर है ना, S और D के नंबर है शुरू के, वो जानबूझ के इसलिए लिखे कि सिचुएशन हर दफा इसी तरह की होगी। तो ये 3 ध्यान में बैठा लो, 2 6 जमा 8, 2 7 9 का मतलब भी 8, 2 और 8 का मतलब यानी 10 का मतलब भी 8, ठीक है? अब कुछ स्पेशल केस है, उनकी वजाहत अभी नहीं करूंगा, उनकी वजाहत आगे जाके चैप्टर आएंगे उनमें आएगी, इसलिए बस खाली अभी तो टेक्निक सीखी। देखो अगर हो S2D9, अगर S2D9 आए, हाँ तो इसको इस तरीके से नहीं करते, जब भी आपको लगे कि D में 9 आ रहे हैं, यानी आपको लगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हैं और आपने डी में इलेक्ट्रॉन डाले और आपको लगा 9 आ गए, तो आपने फौरन उसको इस तरीके से कर देना, यानी इस तरह लिखना नहीं है, होना इस तरह चाहिए लेकिन इस तरह करना नहीं है, आपने इस तरह करना है एस वन और डी के पूरे कर देने D10। अच्छा हाँ, इसकी वजह चैप्टर 5 में आएगी, जहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगी वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उस प्रॉपर्टीज में ये समझ में आएगा ये क्या कहानी होगी। अभी तो खाली आपने पीरियड ग्रुप और ब्लॉक पहचानने के लिए टेक्निक जानने बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब डी में आपको लगेंगे कि 9 आ रहे हैं, सही है। उस वक्त आपने डी के 10 करने, या आप ये नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये कर देंगे डी में आपने पूरे करने हैं 10 और एस से कर, और अब जो ग्रुप का नंबर होगा वो एस से पढ़ा जाएगा, एस के अंदर कितने आ रहे हैं 1, ये कहलाएगा 1B। इन सब में नहीं, इस वाले केस में, ये वाले केस में, बाकी सबका तो मैंने बता दिया ना अलग से, जी सही सही, बाकी के तो केस बिल्कुल सिंपल से स्टेट से, उसमें तो एस और डी को मिला के ही पढ़ना है ना, लेकिन इस तरह के स्पेशल, ये स्पेशल केस है, ये वाला जो है ये स्पेशल केस है जिसके अंदर 9 आ रहे हैं, आपने 10 बना दिए और एस में से एक निकाल लिया आपने, तो एस से बनेगा इसका नंबर, ये 1B, ठीक है सही। फर्ज करो एस में 2 आ रहे हैं और डी में 10 ही आ रहे हैं, यानी आपने नहीं डाले पूरी 10 आ रहे हैं, एस में 2 ही है और डी में 10 ही आ रहे हैं, तो अब भी आपने क्या करना है, एस से देख के नंबर बनाना, एस में 2 आ रहे हैं और 2 भी, ठीक है, ये नज़र एक अच्छी तरीके से देख लो, मैं तुम्हें कुछ सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि फिर हम इसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे, नज़र थोड़ा सा कम आएगा,
जितना आ रहा है देखें। ओके एक सेकेंड, सही है। चल इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो आ रहा है एटॉमिक नंबर 23। एटॉमिक नंबर 23 आ रहा है, इसके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो क्या बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, s2, नहीं सॉरी 4s2, 3d3 जी, ये देखो क्या कहते हैं, और अगर ये 4s तक तो ये 20 हो जाता है। इस तरह करके ध्यान में बैठा सकते हैं, सभी खास तरतीब है। तो अभी हम लिखते हैं इसका पहले पीरियड। जी पीरियड क्या होगा इसका? 4। अब हम लिखते हैं इसका ग्रुप, बताओ ग्रुप क्या होगा? ग्रुप क्या होगा? अच्छा S2 5, ग्रुप है इसका 5b। ठीक है, वेरी गुड, 5b, 5b। और ब्लॉक हो गया इसका डी। एफ तो है नहीं हमारे पास, एफ मास्टर से भी करें। अब बात करते हैं जरा थोड़ी सी, और एटॉमिक नंबर है हमारे पास 27। ठीक है, 27 के ऊपर देखते हैं क्या होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 7, नहीं 7, 4s2 पे 20 हो जाता है। ठीक है जी जी, 27। पीरियड बताओ। पीरियड ये हुआ 4। बताओ ग्रुप 8b और d हो जाएगा तुम्हारा d सही है अब जो दो जी केस है हमारे तो दो केसेस स्पेशल केसेस की हमें करनी पड़ती है और देखते हैं हमारे दो केसेस कौन से ये है एटॉमिक नंबर हमारे पास 29। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 नहीं होगा 3d9 नहीं ये 4s1 हो जाएगा 3d10। ग्रुप एस का लेंगे ना, 1 1 1b 1b, ब्लॉक होगा इसका बी डी। ये सारे जितने भी हम कर रहे हैं ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर 30, 1s2, 2s2, ये वाली खानी जाएगी पूरी आगे तक।
या फिर मैं चला जाएगा 3D10 3D10 से पहले नंबर जो लिख देता हूँ ताकि हमारे सब वही नंबर लिखा जी 4S2 और 3D10 4S2 3D10 ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले पीरियड फोर्थ ग्रुप 2 हो जाएगा 2B और ब्लॉक डी This is the last one. और ये last one हम जो है वो एक बड़ा का लिख रहे हैं 49. 49. S2. 2S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. 3D10. 4P6. 5S2. 4D10. 4D10 आएगा पूरा 10 आ जाएगा चेक कर लो मुझे टोटल यहाँ तक तो होगा कितने 20 कितने हो गए 30 38 हो जाएंगे ना 4D10 में 5S2 और इसके बाद आएगा हमारे पास 4D10 49 ले लिया 48 ले लिया 48 दे रहा हूँ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि फिर वो इसके बाद वाला लग जाएगा 5P1 लग जाएगा 5P1 नहीं लेना पड़ता तो मैंने 48 कर दिया सही सही 4D10 अब बताओ इसके बारे में सबसे पहले इसका पीरियड पीरियड तो 5 होगा 2B इसका ब्लॉक बताओ डी नहीं नहीं एस अब डी का खत्म हो रहा है मैं नीचे देखा नहीं पर मैं आ गया प्रैक्टिस हो गई सारी ये टॉपिक पेपर के अंदर हमें काफी ज्यादा नजर आता है इसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो टॉपिक हमारा एंड हो चुका है इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है काफी हद तक जो मैंने करा दी है बस ये बहुत है इसी को अच्छी तरह दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना वरना जो पीरियड टेबल किताब के अंदर बना हुआ है उसमें से एस के पी के और कुछ एक डी वगैरह के एलिमेंट्स के लेके प्रैक्टिस करके देख लेना ठीक है सही ज्यादा बड़े नंबर नहीं लेने 50 की रेंज के अंदर अंदर का नंबर लेना उससे प्रैक्टिस करना कोई मसला हो तो मुझे बता देना लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल से मुराद क्या होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल के अंदर पहला पॉइंट क्या है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पीटी का पीरियड टेबल इज नोन एज लॉन्ग फॉर्म सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि लॉन्ग फॉर्म क्या है तो जो हम लोग अपनी किताबों में पीरियड टेबल बना हुआ देखते हैं टेबल की शक्ल के अंदर देखते हैं उसको लॉन्ग फॉर्म कहते हैं और इस लॉन्ग फॉर्म को डिस्कस करना है तो पीरियोडिक टेबल जो है वहाँ पीछे पढ़ भी चुके हैं आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर फर्दर लाइन गलत हो गया पीरियड टेबल आर डिवाइडेड इनटू फर्दर का लफ्ज गलत था डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स याद आ गई सारी बातें चार ब्लॉक्स में डिवाइडेड एस ब्लॉक ये सारी बातें जो मैं लिख रहा हूँ ना इन्हीं को जरा थोड़ा सा सही अल्फाजों में इकट्ठा कर लो फिर तुम्हारा टॉपिक तैयार हो जाएगा डी ब्लॉक और साथ में एफ ब्लॉक अभी इन सबके बारे में डिटेल आने वाली है तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास ब्लॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स ठीक है ब्लॉक्स को हमने मजीद ग्रुप्स और किस में डिवाइड किया है पीरियड्स में डिवाइड किया है तो ये ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे और देखते हैं कि ग्रुप्स और पीरियड के बारे में हमारे पास क्या डिटेल है सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में डिटेल पढ़ते हैं ये डिटेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन वो किसी और एस्पेक्ट में था अब यहाँ ग्रुप की डिटेल पढ़ेंगे जो एक्चुअल डिटेल है पहला पॉइंट क्या है व्हाट इज ग्रुप्स ये हम तारीफ पहले पढ़ चुके हैं वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स
ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, देयर आर एट ग्रुप्स ए बी विच आर डिवाइडेड into two categories, that is A and B. बोले आते क्लियर जी. चलो ए के बारे में बात करते हैं. सही, सबसे पहले ग्रुप है. अच्छा, ये ग्रुप ए के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर ग्रुप बी का. लेकिन ये सारी बातचीत बहुत शॉर्ट है. इसमें ग्रुप का नाम बताया जाएगा, उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बताया जाएगा. सही है, समझ में आ रहा है जी. फिर इसके बाद इनमें मजीद डिटेल ले लेंगे. लॉन्ग फॉर्म जो होता है इसमें बस मोटी मोटी बातें बताएंगे. ग्रुप ए के अंदर मोटी मोटी बातें, ग्रुप बी की मोटी मोटी बातें, पीरियड्स की मोटी मोटी बातें, बस लॉन्ग फॉर्म खत्म हो जाएगा. फिर इसके बाद इन सबके अंदर डिटेल है. ठीक है, मैं कुछ शेयर करवा रहा हूँ, तो अब मैं उस जो शेयर करा रहा हूँ उसके ऊपर से देखते हुए तुमसे बातचीत करूंगा. जी, वो हो जाए तो मुझे बताओ. आइए, पीरियड टेबल नजर आ रहा है. ये जो पीरियड टेबल है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो नजर आ रहे हैं ग्रुप वन है. ग्रुप वन दिख रहा है जी. हाँ, इस ग्रुप वन के अंदर जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है इसको हम काउंट नहीं करते. अच्छा, हाइड्रोजन मिसफिट एलिमेंट है. जब चैप्टर टू पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा. अब जो ये जो पीरियड टेबल नजर आ रहा है ये भी सही नहीं बना हुआ. ये जो हाइड्रोजन है इसको उठाकर हम लोग ने सेंटर में ऊपर की तरफ कहीं पे रख देते हैं, हम लोग किसी ग्रुप में नहीं रखते. उसका मतलब ये होता है ये किसी भी ग्रुप में फिट नहीं होता. ये बहल यहाँ पे भी रखा नजर आ रहा है, काउंट नहीं होगा. तो टोटल लिथियम से लेके नीचे फ्रेंशियम एफ आर तक टोटल कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, गिन लो. छह एलिमेंट है. ग्रुप वन ए का नाम, ग्रुप वन ए का नाम है अल्कली मेटल्स. इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं इसकी वजह नहीं जाननी है अभी हमें. ठीक है, टोटल एलिमेंट्स बता देंगे कितने एलिमेंट्स हैं. सिक्स एलिमेंट्स हैं. इन सिक्स एलिमेंट्स में से कितने लिक्विड, सॉलिड, गैस, अभी कोई डिटेल हमें इसके अंदर नहीं पढ़नी. बोलो क्लियर है. इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एन एस वन. ये समझ में आता है एन एस वन का क्या मतलब है? नहीं. हाँ, मैं बताता हूँ. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1. उससे नीचे होगी लिथियम 2s1. उससे नीचे होगी 3s1. यानी n के आगे बस नंबर डालते जाओ. 1 डालो तो हाइड्रोजन होगा, 2 डालो तो लिथियम, 3 डालो तो सोडियम, 4 डालो तो पोटेशियम, 5 डालो तो रुबिडियम, 6 डालो तो सीजियम और 7 डालो तो फ्रेंशियम. बोलो समझ में आया? सही. इन सबके आउटर मोस्ट शेल की यानी आखिरी जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो शुरू का एन का नंबर हमें डालना है. बोलो क्लियर हो गया? सही. चलो दूसरा देखो, ग्रुप टू है. ग्रुप टू के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम से लेके बहुत सारे नाम मुझे भी इस पे सही नहीं पता, रेडियम तक नजर आ रहा है बी से. हाँ, टोटल 6 एलिमेंट है. इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल इनका नाम होता है, लेकिन क्यों होता है हमें वो वजह नहीं पता. टोटल 6 एलिमेंट्स सही. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो NS2 होती है. अब समझ में आ गया जी? लास्ट शेल में S2 बचे. इसके बाद आ जाएंगे हम लोग तीसरा पॉइंट, और वो है हमारे पास ग्रुप 3A. सिर्फ ए को देखो खाली, 3A जिसके अंदर B लिखा हुआ है, बोरॉन. जी जी, बोरॉन लिखा हुआ है. बोरॉन से लेके जो नीचे तक है ना NH तक, वो NH शामिल नहीं है, क्योंकि NH ये सब जो है वो फिलहाल इमेजिनरी एलिमेंट्स हैं, डिस्कवर नहीं हुआ है अभी, इनके ऊपर काम होना बाकी है. आपने देखना है इसमें थेलियम तक देखना है, 81. ठीक है, थेलियम इसी के अंदर नीचे आएंगे. 5 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, मिला जी? हाँ, बोरॉन से लेके थेलियम इसमें 5 एलिमेंट है. इसका नाम होता है बोरॉन फैमिली. पहले एलिमेंट से इसका नाम रखा जाता है बोरॉन फैमिली. अच्छा, और इसके अंदर टोटल 5 होंगे. अब जितने भी होंगे 7 ए तक, सब में 5 एलिमेंट ही होंगे. इनकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन अब थोड़ी सी इस तरह चलेगी. देखो जरा, NS2 रहा P ब्लॉक में आ गया. ये P ब्लॉक है, NS2
NP1 सही बनाई है गलत बनाई है तू सोच के बताओ क्या बोला आपने NS2NP1 NS2NP1 हाँ NS2NP1 सही बनाई है गलत बनाई है बस ये फैसला करना तुम्हें क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस पीछे कराता हूँ आ रहा हूँ तो मैं ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकाल रहा हूँ NS2NP1 सही लग रही है हाँ एस में कितने हैं जी एस में कितने हैं एस में कितने इसमें हैं एक ही होगा ना दो 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 NS2NP1 दो हैं और पी में कितने हैं अच्छा एक अच्छा वो अब समझ चीज में आ गया दो और एक को जमा करो तो कितना हो गया थ्री है थ्री ठीक है ये पीरियड टेबल नजर आ रहा सही है मैंने सही आज पीरियड टेबल को मैंने शेयर भी कराया था पहले साइड में तस्वीर भी नजर आ रही थी लिखी हुई लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रही वरना वो मैं जो लिख रहा हूँ ना ये साथ में लिख रहा हूँ सारी बातें चलो खैर पहले अभी सारी डिटेल यहाँ से देख लो फिर अभी सारी बातें लिखी नजर आ जाएंगी तो सही मैं आगे बढ़ रहा हूँ टाइम रहेगा यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से फोर्थ तो हमारे पास फोर्थ है अब मैं क्या रहा हूँ खाली बोलता जा रहा हूँ पीरियड टेबल आप देखते जाओ इसको हम कहते हैं कार्बन फैमिली सही और कार्बन फैमिली के अंदर हमारे सही पास इसमें भी जो होते हैं वो पांच एलिमेंट्स होते हैं फाइव एलिमेंट्स सब में फाइव एलिमेंट्स होंगे सिवाय हाँ सेवन बात सही एडी को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 और उसमें पीछे वाले में क्या थी NP1 तो एक बढ़ जाएगा NP2 इसमें NP2 हाँ बस तो पांचवे में आ जाते हैं ग्रुप फाइव ए फाइव ए का नाम है नाइट्रोजन फैमिली सही फाइव ए का नाम है नाइट्रोजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर भी वही है पांच एलिमेंट्स हैं हमारे पास अच्छा पांच एलिमेंट से मुराद ये है कि मजीद नीचे भी देखें आपको नजर आ जाओगे आप देखें नाइट्रोजन फॉस्फोरस एस्टेटिन और एंटमोनी बिस्मिथ बिस्मिथ के नीचे एक MC नाम का नजर आ रहा है जी आई काउंट नहीं होगा इसके बराबर में 114 भी नजर आ रहा होगा आपको FL ये सब जी काउंट नहीं होंगे ये असल में या तो डिस्कवर नहीं हुआ है या अभी इनके ऊपर काम बाकी है अभी डिस्कवर नहीं हुए सही तो ये इसलिए जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है बिल्कुल उसके हिसाब से बताया जा रहा है सही है क्लियर हो रहा है आप वरना ये कहें कि सर पांच बोल रहे हैं लेकिन चलो छह जी लिखे जा रहे हैं नहीं नहीं आ रहे समझ NS2 और NP3 हो गए ना पांच NS2 NP3 जी उसके बाद हमारे पास ग्रुप सिक्स थे ग्रुप सिक्स थे का नाम पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है इसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली है ये ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली है और इसमें भी पांच ही एलिमेंट्स हैं और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP पिछले वाली NP4 NP4 सेवन सेवेंथ ए सेवेंथ ए के अंदर जो नाम है वो थोड़ा बदला हुआ नाम है इसका नाम है हेलोजिन फैमिली हेलोजन ये वजह आप मैंने बताया था आपको आगे चल के बताऊंगा चैप्टर आएंगे उसके अंदर बताऊंगा इन्हें हेलोजिन फैमिली क्यों कहते हैं हेलोजिन फैमिली इसका नाम है और हेलोजिन फैमिली के अंदर भी टोटल पांच ही एलिमेंट्स हैं सब में पांच है उनके इलेक्ट्रॉनिक जी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है NS2 और NS2 NP5 इसके बाद हमारे पास आखिरी जो है वो है ग्रुप एट है या जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसको और इनका नाम जी है नोबल गैसेस इसमें टोटल छः हैं मैं पढ़ के बता देता हूँ हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टन ज़ीनोन रेडोन और जो OG लिखा जी हुआ है ना वो काउंट नहीं है सर TS जो लिखा था वो भी काउंट नहीं है LV लिखा हुआ ये भी काउंट नहीं है सही है तो जी सिक्स एलिमेंट्स हैं इसमें छः हैं इसमें छः हैं बाकी सबके अंदर पांच पांच थे याद पांच रहेंगे ना सारी बातें ये भाई ओ तस्वीर भी दे दूंगा जी इलेक्ट्रॉनिक जी कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी NS2 NP6 एनपी हाँ लेकिन सिक्स इसमें छोटा सा मसला है इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है वो हमें अलग से लिखनी पड़ती है क्योंकि हीलियम जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 अच्छा अभी देखो मसला क्या आया इसमें बताओ जल्दी से टाइम खत्म हो गया हाँ शायद अभी क्लास क्या कौन चीज हीलियम के अंदर 1s2 आ रही है इसका ना मसला ये है कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस का खत्म हो रही है लेकिन हीलियम को रखा किसमें गया है पी ब्लॉक कर रखा है
रीजन ये है कि क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मिलती है और ये एक नोबल गैस है, इसी वजह से इसको नोबल गैस में रखा गया। ठीक है, अच्छा अब मैं स्टॉक शेयरिंग कर रहा हूं, ये देखो सारी चीजें मैंने यहां लिख दी हैं, ये बताता जा रहा था सारी लिख दिया, तो ये मैं भी तस्वीर शेयर कर दूंगा। और अभी बातचीत नहीं हो पाएगी 14 अगस्त की वजह से, कल जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी, कल क्लास नहीं होगी। सही, वो हमारी सैटरडे में क्लास होगी फिजिक्स और उसकी केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ग्रुप बी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला सैटरडे को मिलते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।